राह संघर्ष के जो चलता है, संसार को भी वही बदलता है। जिसने जीती रातों से जंग, सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी भारद्वाज स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड एक ऐसा मंच है जो उभरती हुई प्रतिभा को हर मौका देता है। तो आप भी अगर अपना टैलेंट यहाँ दिखाना चाहते हैं और सभी लोगों का टैलेंट यहाँ देखना भी चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो इसी वीडियो में आज हम मिलाने जा रहे हैं आप सबको एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ जो विजुअली इम्पेयर्ड होने के बावजूद भी इतना जुनून रखते हैं कि उन्होंने एक किताब लिख डाली। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऑथर जिन्होंने अपनी एक रचना लिखी है, और आज हम उन्हीं की उसी रचना के बारे में और उनके उस जज्बे के बारे में जानेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर हरीश प्रजापति सर को। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है हमारे सभी व्यूअर्स को ये कार्यक्रम पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं इस टाइम और कहाँ रहते हैं। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मैं एक ऑथर हूँ। अभी फिलहाल मैं कम्युनिकेशन ट्रेनर, एज अ कम्युनिकेशन ट्रेनर वर्क करता हूँ और ये कर रहा हूँ मैं फिलहाल। आगे इसी को ग्रो करना है, यही है। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन सर कि आप ऑथर हैं, और आपको बहुत बधाई देना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ऑथर हैं, तो आपने जरूर कोई ना कोई रचना रची होगी, कुछ लिखा होगा, तो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। किताब के बारे में यदि मैं बताना चाहूँ तो किताब जो है वो ऑल अराउंड इस चीज के बारे में है कि जो चीजें मैंने सीखी और इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में। जैसे मैंने अपने कॉलेज समय में डिबेट्स किए, लगभग मैंने 300 इन एडिशन टू इलोक्यूशन, डिबेट, एक्सटेम्पो, मतलब ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड ऑरेटरी कॉम्पिटिशन्स कर रखे थे। और उस कंपटीशन का एक एक्सपीरियंस था कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो लोगों की एक दिक्कत होती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल में बेटर नहीं होते। तो मुझे ऐसे लगा है कि मेरे को उस किताब के जरिए अपने आप को थोड़ा सा व्यक्त करना होगा लोगों के सामने, तो या वो कुछ सीख सके या मैं अपनी फीलिंग्स बयां कर सकूं उनके सामने। तो ये एक छोटा सा प्रयास था। तो उसमें उसी बारे में मैंने लिखा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो क्या होता है। जब हम पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो ऐसा माना जाता है पब्लिक स्पीकिंग दुनिया में सबसे बड़ा एक डर होता है। क्यों होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैसे जा सकता है? कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है ना? डर लगता तो लगता कि वे उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? कुछ तो कारण रहता होगा तभी डर लगता है। जी किसी भाषा में पकड़ बनाने के लिए एक आइडल तरीका क्या होता है? तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने कंक्लूजन निकाला और तब जाके तय किया कि चलो किताब लिखी जाए। तो तब जाके ये किताब पब्लिश हुई मैम। ओके वेल डन सर, आपकी किताब पब्लिश हो चुकी है, उसके लिए ढेर सारी बधाइयां। तो सर, आपकी किताब जो है उसका नाम जरा शेयर कीजिए ताकि सब लोग मेरी जान सके। किताब का नाम है हम तो जीतेंगे। इट्स ओके ऑल अबाउट द डिजायर, बर्निंग डिजायर यू डू हैव, है ना? तो उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने का काम ये किताब करती है। ये किताब आपको ये बताती है कि विच डायरेक्शन कैन बी ए गुड फॉर यू और द बेटर फॉर यू, है ना? तो यही सारी चीजें हैं। बहुत अच्छी बात है सर, एक नई चीज जानने को मिली। और सर, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप। अभी फिलहाल मेरा अभी अभी इकोनॉमिक में मास्टर्स हुआ है, तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और ये मेरी क्वालिफिकेशन है, इकोनॉमिक में मास्टर्स करा है मैंने। ऐसे कोई दिली तमन्ना नहीं थी इकोनॉमी में मास्टर्स करने की, लेकिन था मेरे अंदर एक चीज है कि कोई भी चीज, चाहे वो मुश्किल हो आसान हो, यदि मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी चैलेंजिंग है
तो फिर वहां पे मुझे ऐसे लगता है कि लेट्स बीट दैट और ट्राई करते, लेट्स गिव ट्राई, क्योंकि इकोनॉमिक में वो हमेशा ही बहुत कम मार्क्स आ रहे थे एंड देर वर सम बेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन मेरे को लगा कि इकोनॉमिक में ही करना है। बहुत अच्छी बात है। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, मतलब इकोनॉमिक्स आपने लिया, बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड बहुत कम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ऐसा सब्जेक्ट लेना है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज और मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ ही होता है आई थिंक। तो किसने मतलब कैसे आपको सपोर्ट मिला, किसकी हेल्प से आपने अपनी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कंप्लीट की? पहली बात तो ये थी कि जैसे मैंने कहा ना कि मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नाम की चीज नहीं थी, ये सब्जेक्ट मुझे 12वीं से परेशान करे जा रहा था, तो मुझे इसमें मास्टर्स करना ऐसे लगा कि मैं इसमें करके दिखाऊंगा। एक आप इसे फिर ईगो कह सकते हो, आप इसे ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, या कुछ लोग बोल सकते हैं वाओ दैट्स अमेजिंग इंस्पिरेशनल, ठीक है, अब जिसे चाहे जो बोले। बस मेरे को भी यदि आज पूछा जाए कि चलो चलते 2 साल पहले और क्या तुम सचमुच में इकोनॉमिक लेते, तो मैं तो कहूंगा कि ये मेरी बेवकूफी थी, इसमें बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज क्या है, मेरा साइकोलॉजी भी था, ऐसा नहीं है कि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड इकोनॉमी था, साइकोलॉजी इससे ज्यादा टफ होता है, एंड आई वाज द मेरिट इन माय साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएशन तक के, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है। इवन मैं जब 12th में था तो मेरा जियोग्राफी भी था एंड आई गॉट 80% इन जियोग्राफी व्हेन आई वाज इन 12th। तो एक्चुअली ये ना आप मतलब मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, मेरे पास में ये एक कॉन्फिडेंस था उस समय कि चीजों से लड़ना है, ट्राई करना है, बाकी सारी चीजें तो हो सकती है लेकिन वही घिसी पिटी चीजें करते रहने से कुछ नया ट्राई किया जाए, तो इस तरीके का मेरा माइंडसेट था उस समय, तो वो है। दूसरी बात आपने पूछी बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, मेरा मानना ऐसा है कम ही सही लेकिन बहुत से लोग लेते हैं, इकोनॉमी तो लिया जाता है ब्लाइंड लोगों द्वारा, साइकोलॉजी का थोड़ा सा कम मुझे वो दिखता है, एंड आई थिंक ये सबके इंटरेस्ट की बात है फिर, कि जिसको पसंद आया है वो लेता है, नहीं आया तो नहीं लेता है, कुछ भी अच्छा बुरा होता नहीं है, मतलब सब अपने पसंद नापसंद की बात है, तो यही है। ओके okay. तो सर आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, आप आपकी बुक पब्लिश हुई है, तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि आपको एक बुक लिखनी चाहिए? मतलब जैसे हमारी लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, हमें कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है, तो आपको कहाँ से सीखने को मिला और ये आइडिया कहाँ से मिला आपको? ये मेरा मानना ऐसा है ना, हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं एक ऑथर होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप अपनी जिंदगी की लिख रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप ऑथर तो हो, बस एक कमी हो जाती है ऑथेंटिफिकेशन की, जो आप किताब लिखते हो तो आपको ऑथर बोला जाता है। तो यदि आपको मैं यह बताऊं कि मुझे ऐसा क्या लगा क्यों लगा, तो इसके पीछे की सीधी सी बात यह है कि मेरे पास में लॉकडाउन में करने के लिए कुछ खास था नहीं, और जब मेरे पास कुछ खास था नहीं तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने ऐसा कभी ना कभी तो सोचा था कि मेरी किताब आनी चाहिए, लिखनी चाहिए, मैंने कोई किताब पब्लिश होनी चाहिए, कि बहुत सारे आप लेखकों को पढ़ते हो, एक वो होता है ना बच्चे टाइप का कि आप किसी को बचपन में होते हो, किसी को देख लिया, क्रिकेटर को देख लिया क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर को देख लिया डॉक्टर बनना है, जिसको देख लिया आप जो बनते हो, तो एक समय में था मेरे अंदर, लेकिन वो मुझे एक उचित समय लगा तो उस समय को मैं गंवाना नहीं चाहता था। तो बस मेरे पास क्या था, खास लिखने के लिए कुछ नहीं था, और मेरा मानना यह है कि जिन चीजों में आप अच्छे होते हो उन चीजों को आप बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अब मैं पढ़ाई वढ़ाई में उतना खास टाइप का इंसान नहीं हूँ कि जिसने बहुत ज्यादा झंडे गाड़े हो, बहुत मतलब मेरिट किया हो, 90 के ऊपर हमेशा से परसेंटेज रहे हो। एक खास सब्जेक्ट जैसे मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा था तो उसमें भी इसलिए था मेरा क्योंकि उसमें मेरे को मजा आता था, मेरी रुचि थी, तो बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो मैं स्टडी में तो अच्छा था नहीं। और दूसरी चीज रही बात पोएट्री, वोएट्री में लिखता था लेकिन उतना बढ़िया खुद को नहीं समझता था कि पोएट्री में किताब विताब लिखी जाए। और तीसरी बात यह है कि मेरे पास बस एक ही चीज थी, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि मैं लगभग 300 कॉम्पिटिशन खेल चुका हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं मानू या कोई और माने ना माने, लेकिन सच्चाई तो यह है ना कि उसमें से 100 से ज्यादा कंपटीशन जीत भी चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं पे वो एक क्राइटेरिया ऐसा था जो मुझे बता रहा था कि नहीं इसमें एक्सपीरियंस भी है और इसमें तुम कुछ गलत तो नहीं करोगे, मान लो सही भी नहीं किया लेकिन गलत तो कुछ नहीं करोगे, और एक नपातुला एक
नॉलेज का पिटारा लोगों के सामने लाके रख सकते हो, तो वो एक तरीका लगा था मुझे, एंड दैट्स इट इज। मतलब जो लॉकडाउन का टाइम था आपने उसको यूटिलाइज किया और एक किताब लिख डाली, बहुत अच्छी बात है सर। हाँ तो आपने टॉपिक ऐसा ही क्यों चुना कि मतलब कैसे डर को कम किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाए, आपको ये आइडिया ही क्यों, मतलब ये क्यों सोचा आपने कि इसी टॉपिक पर लिखना चाहिए मुझे? आपने अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट किया पहले उसको, फिर उसके बाद आपने उस पर बुक लिखी, या कैसे? मतलब यही तो बता रहा था मैं कि ये फील्ड से मैं ना संबंधित था, रिलेटेड था। मैं वही हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब हर कॉलेज के दूसरे दिन मैं किसी और कॉलेज में होता था, उसके दूसरे दिन मेरी क्लास में मेरा नाम लिखा होता था ब्लैक बोर्ड में कि ये प्राइज मिला है, ये कंपटीशन जीता है, ऐसा हुआ है। मैं लेक्चर्स बहुत कम किया करता था, तो मेरे पास में वही था, मैं कुछ और लिख भी नहीं सकता था। तो एक समय बाद में ये सारी चीजों पर मेरी ठीक ठाक पकड़ आ चुकी थी, ये डर क्या होता है, लगता क्यों है, ये कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं, लोगों को इंग्लिश बोलने में इतनी दिक्कत आ क्यों रही है, तो ये सारी मतलब चीजें मैं फेस कर चुका था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं लगता था, एट द बिगिनिंग ये सारी चीजें मेरे भी साथ हुई है, लेकिन उसके बाद एक आदत बन गई। फिर वो आप जब किसी चीज में, किसी महान इंसान ने कहा है, महान इंसान का नाम सुकरात है, तो सुकरात ने कहा था कि जितना आप जानते हो कि आप, मतलब जितना आप जानते हो उतना आप यह भी जानते हो कि आप कुछ नहीं जानते हो। तब कोई भी चीज के अंदर डेप्थ में जब आप जाते जाते हो ना, तब वो बहुत सारी चीजें पता चलती है, और फिर आप क्या करते हो ना, उसका अध्ययन करते हो, रिसर्च जिसको बोलते हैं, अब चीजें पता चलती है, मतलब उतने डेप्थ लेवल की नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया आ ही जाता है आपके पास। यहाँ भैया मतलब डर क्यों लगता है लोगों को, तो सीधी सी बात है कि वो डर बिठा दिया गया है, यही होगा और क्या होगा। अब डर से कैसे लड़े, जैसे अब मैं को बोलना है कि मेरे को डर लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को इस डर से बाहर आना है, तो मेरे को ऐसा क्या करना होगा, सीधी सी बात है कि मुझे बाहर ही आना होगा। अब आप इसकी ट्रिक ढूंढ सकते हो कि बाहर कैसे आना है, ठीक है, तो आप तो ये बता दो कि यदि मैं आज नहीं बोला तो जब आने वाले 5 साल 10 साल बाद मुझे जब बोलने को बुलाया जाएगा, उस समय मेरी उम्र भी ज्यादा होगी, क्या पता मेरे बच्चे मेरे साथ हो, मेरे को ना बोलता देख के हंस रहे हो, तो ये डर बहुत पॉजिटिव है, फेल हो जाने का डर, क्योंकि कल मैं फेल हो जाऊंगा तो आज मैं पढ़ लेता हूँ, है ना। तो डर को डिफाइन करना होता है हम लोगों को कि डर क्या होता है। जैसे आपने पता चला कि मतलब जैसे मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं पढ़ लेता हूँ, ये डर अच्छा हुआ, लेकिन क्योंकि मैं फेल होने ही वाला हूं तो मैं क्यों पढ़ू, और क्या पता मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये कुछ अननेसेसरी डर होते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। यदि मैं बताऊं कि डर को काबू करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि उसको एनालाइज करो, डर क्यों लग रहा है, कौन सा डर है, और फिर उस पर काम करना शुरू कर दो, है ना। तो ये मतलब एक और किसी बहुत बड़े इंसान का कोट था कि जैसे आप जितना अभ्यास करते हो, ये युद्ध से रिलेटेड कोट था कि जितना आप अभ्यास करते हो ना खाली समय में, उतना ही कम खून जब आप लड़ाई लड़ते हो तब गिरता है। तो ये है मतलब कि आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात। जी। तो जैसे कि सर आपने बोला कि आपने अपनी बुक में लिखा कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए, तो हमारे व्यूअर्स को भी बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर हम लोग ऐसा फील करते हैं कि बहुत लो है हमारा कॉन्फिडेंस, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्या सोचा जाए कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए हमारा? ठीक है, सबसे पहले ना हम लोगों को समझना पड़ेगा कॉन्फिडेंस ही क्या होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक खाली एक पहलू नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेट मी टेल यू, अब कोई भी इंसान कॉन्फिडेंट उसी चीज में हो सकता है जिसका उसके पास एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप बहुत बढ़िया स्पीकर हो, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस स्पीकिंग में तो है, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे सिंगर नहीं हो, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं आप हो या नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यदि आप एक अच्छे सिंगर नहीं हो या मैं एक अच्छा सिंगर नहीं हूँ, ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस वहां कोई काम का नहीं है। ये बोलना ही गलत है कि कॉन्फिडेंस मैटर ये वो, क्योंकि वो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है क्या, खाली एक्सपीरियंस ही तो है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, बोलने में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने बोला नहीं है, या बोला भी है तो वो पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है जो करा जाना चाहिए, है
जैसे मैं एक बहुत बढ़िया, आप पढ़ने में बहुत बढ़िया हूँ, मैं स्पोर्ट में हूँ ही नहीं, क्यों नहीं हूँ मैं यार, एक्सपीरियंस उतना नहीं है। बहुत सीधी सादी और सच्ची सी बात यही है कि कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस ही है और कुछ खास नहीं है। मैं ठीक बोल पाता हूँ क्योंकि मैं बोलता हूँ, अगला इंसान ठीक गा पाता है क्योंकि वो गाता है। हाँ, फिर जैसे हम लोग इस पर डेप्थ लेवल पे एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीजें बारीकाई से सोचनी पड़ती है हम लोगों को। जैसे मैं जब पब्लिक स्पीकिंग करता था तो मैं कुछ बहुत ज्यादा क्रूशल लेवल के नेशनल लेवल और स्टेट लेवल कंपटीशन हार जाता था। मैं सीनियर से बात किया तो उन्होंने मुझे बताए थे कि यार तुम्हें दिक्कत नहीं है, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, सारी चीजें अप टू द मार्क के, बस दिक्कत एक चीज में जा रही है कि पॉज थोड़ा सा ठीक कर लो, थोड़ा सा ठीक कर लो। अब जितना गहराई में आप जाते हो आपको पता चलता है ये कमी है यार, ये ठीक करना है। ये दुनिया में ना बस बेटर बना जा सकता है, बेस्ट कभी नहीं बना जा सकता। बेस्ट का कोई मतलब परिमार्जन नहीं होता है कि ये बेस्ट बन जाए। क्रिकेट समझते हैं हम लोग, हमको पता है कोहली फॉर्म में नहीं चल रहे थे, अभी शतक आ गया। यदि वो परफेक्ट होते तो फिर हमेशा ही मारते रहे होते सेंचुरी। तो ये एक एकदम प्रोसेस सही होती कह है बस, मतलब रहे हैं कि प्रोसेस को अगर किसी समझना। भी फील्ड में हमें परफेक्ट बनना है तो उसको स्टार्ट करना जरूरी है, हम राइट? मतलब परफेक्ट नहीं बन सकते मैम, मतलब मेरा ये पर्सनली मानना है कि परफेक्शन को हाँ क्यों चाहिए हमको। परफेक्ट चीजें मुझे भी पर्सनली पसंद नहीं है, आपको भी नहीं है, कि मतलब किसी को पसंद नहीं होती है एक्चुअली। हमारे पास तो ये सारी चीजें परफेक्ट, गूगल ही है वो है। लेकिन आपको सुख चैन और बाकी सारी चीजें तभी अच्छी लगेगी जब आप किसी से, इंसान से बात करोगे, वो इंसान परफेक्ट थोड़ी है, नहीं है। तो परफेक्शन बेस्ट बनना ये फिजूल है थोड़ा, मतलब बेटर बनने की कोशिश करो और उस प्रोसेस में रहो। जी। वो बोलते क्या, कर्म और करते जाओ फल की आशा ना करो तो टाइप की बात। सर, जैसे अब मेरा क्वेश्चन अगला आपसे यही है कि मतलब विजुअली इम्पेयर्ड होने के साथ साथ हम अब हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और बुक लिखना, मतलब प्रिंट में बुक लिखना, वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपने कैसे इन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया और अपनी बुक को लिख कर उसे पब्लिश भी करवाया? मतलब किसको आप ये क्रेडिट देना बियॉन्ड चाहेंगे और इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन था? डेफिनेटली बी ऑनेस्ट, आई हैव माई सिस्टर, शी हेल्प अलॉट, और उन्होंने ही लिखा है पूरा, खाली मैंने बताया है, डिक्टेट किया है, ये करना है, यहाँ यहाँ चेंज करना है, ऐसे ऐसे करना है, एंड शी रोट दैट, और इस तरीके से वो हुआ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट क्रेडिट, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोगों का क्रेडिट है। कुछ लोगों ने समझाया भी कि मतलब अच्छा है तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, कुछ लोगों ने मना भी किया था बट वो भी मुझे नहीं लगता गलत थे, वो भी अपनी जगह सही थे। तो ये होता है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ तो सर, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों ने बुरा भी बोला, कुछ ने अच्छा भी बोला, तो ऐसा भी जब आप बुक लिख रहे होंगे, आपके मतलब लाइफ में ऐसा भी कुछ आया होगा, ऐसे पल आए होंगे जब आपको लगा होगा कि नहीं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपने उस टाइम को कैसे टैकल किया उन प्रॉब्लम्स को? नहीं ऐसा देखो, क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है ना, अब जैसे कोई भी आके डायरेक्टली तो नहीं बोल देता है, मतलब मेरा ही मानना है, मैं प्रैक्टिकल रहना पसंद करता हूँ, और कोई भी आके आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि यार भाई ये क्या लिख रहे हो तुम, फालतू किस्म के इंसान हो, ऐसा नहीं होगा। हम उनसे एडवाइस लेते हैं और वो अपना बताते हैं, और मेरा मानना ये है कि वो मतलब ठीक है यार, उनका एक्सपीरियंस है और वो झूठ भी नहीं होते। जैसे बहुत से लोगों ने बोला था कि ये बुक तुम्हारी पिट जाएगी, तो वो गलत कहा है, पिट तो गई है ना। और ये सच्चाई मुझे भी पता थी क्योंकि आप पहली किताब लिख रहे हो, और पहली किताब आप मतलब इतना थोड़ी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। जब आपको ये सच्चाई पता होती है तो आप स्वीकार करते हो सबको, और स्वीकार करना अच्छी बात होती है। तो वो मतलब क्रिटिसिज्म भी एक अच्छी चीज है। जैसे किसी महान इंसान ने बोला है कि देखो इस दुनिया को ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक दोनों लोगों की जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक जो होता है वो एरोप्लेन बना देता है, और जो पैसिमिस्टिक होता है वो ये पैराशूट बना देता है, क्या पता प्लेन गिर जाए। पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच के क्या कर लेंगे हम, थोड़ा निगेटिव भी ठीक ही होता तो है। सर, मतलब आपकी जो ये बातें सुनकर सब लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो जब बुक लिख रहे थे तो आप मतलब आपका कैसा रहता था कि पॉजिटिव रहते थे या नेगेटिविटी आती थी? मतलब किस तरह से आपने अपने आप को, मतलब मेन क्वेश्चन ये है कि किस तरह से पॉजिटिव रखा आपने अपने आप को? मैं एक इंसान हूँ, इतना जानता हूँ, पॉजिटिव रहना मेरे बस की बात ज्यादा नहीं है। मतलब मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता, मैं नहीं रह पाता हूँ ज्यादा पॉजिटिव,
मैं बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता हूँ कई दफा, और इट्स अ पार्ट ऑफ, मतलब इस पे काम कर रहा हूँ मैं, अब पता नहीं कब तक के मुझे इस पे सफलता मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव नहीं रह पाता हूँ मैं, निगेटिव ज्यादा रहता हूँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ट्राई करना नहीं छोड़ता हूँ, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। मतलब जैसे मेरे को पता चल रहा है कि भूख लगी है तो बस खाना खा लो, यही उपाय है, उसमें सोच के ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है कि ये सब्जी नहीं बनी है और ये हो सकता था ये नहीं हो सकता, अब जो है वो खा लो, मतलब कि मिनिमम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे दे सकते, इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अब ये किसी को लगेगा कि भाई तुमने बुक लिख दी, तुम तो मोटिवेट करते हो लोगों को, तुम सेमिनार लेते हो, तुम ये हमका फलाना ढिकाना करते हो, और तुम ऐसी बातें करते हो कि तुम खुद ही निगेटिव हो, तो हमको तुमको क्या इंस्पिरेशन। तो मैं मतलब कैसा है ना, मेरे को झूठ बोलना पर्सनली नहीं पसंद है, और हम लोग सब लोग इंसान ही होते हैं, कि जो इंसान आपको बोल रहा है कि नहीं हम मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव रहने के लिए वो किया निगेटिव, तो ऐसा नहीं होता है, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए उसको इंसानों की ही जरूरत होगी, और वो इंसान होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, जो मतलब आपके कठिन समय में आपको थोड़ा सा कंधे दे, आपको थोड़ा सपोर्ट करे, आपको बोले कि ठीक है तुम मतलब कर सकते हो एंड हम तुम्हारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। यार बोलना बहुत जरूरी होता है ना, जैसे आपको कोई बोल देता है ना यार, वो कुछ नहीं चाहिए होता है, वो वर्ड्स मैटर, रियली मैटर, तो ये मतलब लगता है मेरे को, ये मेरा पर्सनल व्यू है। हाँ तो सर, जैसे ऐसा माना जाता है कि हर किसी की सक्सेस में किसी ना किसी का हाथ होता है, तो मतलब आपकी सक्सेस के पीछे कौन है, हम जानना चाहेंगे। यार, मतलब जो 90% सक्सेस होती है उनके पीछे जिनका हाथ होता है, वही हाथ मेरे भी सक्सेस के पीछे है, कि मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की बहुत अच्छी बात ये लगी है कि मेरे को फोर्स नहीं करते हैं वो लोग कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, किताब लिखने की क्या जरूरत है, तुम कितना पैसा कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, वो लगता है जी कर रहा है करने दो, मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगती है, और वही मतलब है मतलब। आपने ठान लिया था कि आपको बुक लिखनी ही है। नहीं ये ठाना नहीं था, ये को इंसिडेंट है किताब, मतलब राइटर बनना एक कोई उद्देश्य नहीं था, ये एक मतलब हो गया लॉकडाउन में, सोचा हो गया, मतलब इस तरीके से था वो, क्योंकि मैं तो मेरा ऐसा ये ड्रीम है कि टोस्ट मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का, वर्ल्ड चैंपियन पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, और जीतने का मेरा ड्रीम है, अब उसमें 10 साल लग सकते हैं, 15 साल, 20 साल, अब मुझे नहीं पता होगा भी नहीं होगा, तो लेकिन वो एक जरिया है कि मैं लोगों तक के पहुंचूं और ऐसी कई किताबें लिख दूं समय के अनुसार, तो वो एक सारा एक होता है ना कि एक जरिया होता है, बहुत सारी चीजें आपका जरिया होते हैं, किताब एक जरिया है। तो सर, मतलब आपने जैसे अभी बताया आप स्टडी भी कर रहे थे और आपने साथ साथ अपनी बुक भी लिखी, तो कैसे टाइम मैनेज वगैरह कैसे किया आपने, दोनों चीजें कैसे बुक देख बुक रहे लिख हैं? रहा था और स्टडी कर रहा था यार, मतलब सीधी बात है कि लॉकडाउन में कोई खास स्टडी नहीं थी, ठीक है ना, ऑनलाइन पेपर होते थे और पेपर उतने ही इजी होते थे जितना मतलब लॉकडाउन के पहले जिंदगी हुआ करती थी, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं था स्टडी में, कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत आसान होते थे पेपर, और बहुत ज्यादा गलत भी हो गया तो फेल तो नहीं ही करते थे 99%, मतलब सच्चाई बोल रहा हूँ, तो स्टडी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था सचमुच में। तो सर, मतलब कितना टाइम लगा आपको इस बुक को पूरा करने में? मतलब ऑलमोस्ट इस किताब ने 8-10 महीने लिए हैं पूरी प्रोसेस होने में। किताब का यदि एक थिंकिंग पैटर्न और लिख वगैरह के सबमिट करने की बात करूँ तो लगभग पूरा 1-2 महीना प्रोबेबली लगा था इसमें, 15-20 दिन सोचने में और फिर कंटेंट रेडी करके लिखने में, तो इतना ही समय लगा था। तो बहुत अच्छी बात है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि मतलब आपने बुक लिख डाली और इतना मोटिवेट रहे, आपने लोगों को भी मोटिवेट किया, उसके बाद जब आपकी बुक पब्लिश हो गई तो ऑडियंस का, ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? रिस्पॉन्स मस्त था यार, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था, मतलब आप किसी को ऑटोग्राफ दे रहे हो, ये वो, आपके छोटे छोटे सपने होते हैं, मतलब वो मेरे पूरे हुए, मैं थोड़ी ना सोच सकता था कि
ऑटोग्राफ दे सकता हूँ मैं किसी को? मैं जब पहला ऑटोग्राफ दे रहा था तो मैं मतलब आई वॉज मैडली लॉफिंग कि भाई ये क्या हो रहा है, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो या क्या हो रहा है। देवर लाइक वो मैम थे, उन्होंने मुझे डांटा पूरी तरीके से कि हम सचमुच में इमोशनली तुमसे मांग रहे हैं। फिर मेरे को लगा रहे यार मतलब ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। फिर मैं सीखा धीरे धीरे ये सारी चीजें कि नहीं मतलब यार वो दिल से इज्जत कर रहे, मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारा। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मतलब लोग चलो ठीक है जिंदगी में कुछ खास नहीं किया है, फिर भी एक रिस्पेक्ट होती है ना कि ऑथर है, मजाक थोड़ी है ऐसे। मतलब आपको लोग सपोर्ट करने लगते हैं कि कहीं पे हाँ जाते ये हो तो सारी रिस्पेक्ट चीजें देते बड़ी हैं ना। महत्वपूर्ण हाँ हाँ तो एक है। तो सर आपको इतना अच्छा रिस्पांस मिला, आगे आपका क्या आइडिया, मतलब क्या सोचा आपने कि आगे किस फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है, और आगे कुछ और भी लिखने का प्लान है आपका, किस टॉपिक पर लिखने अरे का सोच रहे हैं? डेफिनेटली यार बहुत कुछ बाकी है। एक माइंड पे एक किताब लिखनी है, उस पर रिसर्च करनी है मुझे, और एक मतलब प्रैक्टिकल किताब मुझे कश्मीर में भी लिखनी है। पूरा जितना कुछ इशू है सच्चाई से समझ के लिखनी है, तो मैं प्रॉपरली वहां पे जाकर स्टे करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म प्लान है, पता नहीं 10 साल 15 साल, लेकिन ये मेरा सपना सा है कि वहां पे मतलब देखूँ तो मैं हम कुछ। यही दुआ करेंगे कि आप ऐसे ही हमें बहुत सारी किताबें लिखकर देते रहें, हम पढ़ते रहें और नॉलेज के साथ। अरे तो थैंक यू। आपकी जो ये स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है, और इसको सुनकर मुझे चंद पंक्तियां याद आ रही हैं कि सीढ़ियों की जरूरत तो उन्हें होती है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। तो क्या बहुत बात अच्छी बात है यार, सर। बहुत बढ़िया तो पोएट हो। सर आपकी बुक के बारे में जान लिया, अब आपकी कुछ हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे, क्या हॉबीज हैं फ्री टाइम में और क्या-क्या करना पसंद करते हैं? यार फ्री टाइम में मुझे ना लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। इट्स काइंड ऑफ हॉबी कि मतलब बातें कर लेता हूँ मैं, किसी के नंबर ढूंढ के बातें कर लेता हूँ, या मेरे पास में बहुत सारे स्ट्रेंजर लोग हैं तो उनसे भी बातें कर लेता हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म में। तो ये मेरी हॉबी है, वन ऑफ द बेस्ट हॉबी है कि मतलब मुझे जब ऐसे लगता है मेरे पास फ्री टाइम है तो मैं कुछ सीखने में मतलब लोगों से कनेक्ट रहने में ज्यादा बिताता हूँ मैं, कि कुछ सीखने को मिले मुझे इस टाइप में ऐसा। तो ये मेरी एक हॉबी है, और हाँ ये हॉबी है एक। तो सर हमने सुना था आप पोएट्री वगैरह भी करते हैं कुछ? अरे हाँ क्विट क्विट पोएट्री कहते हैं उसे, क्विट पोएट्री मतलब कि शीघ्र कविता है ये। आई कैन क्रिएट द पोएट्री ऑन द स्पॉट टाइप ऑफ कि मतलब चलिए है। करते हैं ट्राई। हाँ तो लेट्स ट्राई। आपको स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड हमारे चैनल के नेम पर ही कुछ बनाना है, तो कुछ बेस्ट जॉब स्पेशल करनी है। टैलेंट, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड, ठीक है। पीपल आर सफरिंग, दैट्स वन रीजन, बिकॉज दे डोंट यूज देयर माइंड। नाउ लेट्स कम एंड ट्राई टू क्लाइंब। व्हेन वी सी देयर आर सो मेनी पीपल, दोज आर नोन एज डिसेबल एंड पीपल थिंक दे कांट डू एनीथिंग, when only and only one platform stand with them, that's we call special talent of blind, special talent of blind। वाओ ऑसम, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक्स अ बंच, थैंक्स अ बंच। थैंक यू ठीक सो बना मच ना, सर, मतलब आपने ये इतना क्विट मोटिवेट पोएट्री किया, होता बहुत है, बहुत क्विट अच्छा बना सर, बहुत हाँ बहुत मतलब क्विट पोएट्री जी होता है ये। मुझे भी पता नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट बन जाता है। जी बहुत अच्छा टैलेंट है सर ये भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपकी स्टोरी को जानकर। और मतलब मैं यही उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूअर्स आपको सुनकर बहुत खुश हुए होंगे, उनको भी बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, और अपना टैलेंट सभी इसी तरह दिखाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, सही है। हाँ आप हमारे चैनल पर आए, इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया तहे दिल से। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा ये शो, और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो वेट क्या कर रहे हैं, कीजिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, और आइए दिखाइए अपना टैलेंट। और लास्ट में बस इतना ही बोलूंगी कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है।
डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, पर लड़ने वालों के कदमों में हर जहान है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।